मेरा प्यार भरा जी यीशु, हम कृपया सब खड़े हो जाएंगे। अपने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस कैटिसम क्लास की ओर बुलाए हैं, आपके वचन सुनने और विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा दीजिए। पिता ईश्वर, हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए यह क्रिस्तीय विश्वास किस प्रकार हम बितानी चाहिए, वह हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजकर हमें पूर्ण बनाइए और मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा हम सबको दीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। फिर एक बार सबको जय यीशु। प्यारे बच्चों, बैठ जाइए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने गए बार के पाठ का पहला पाठ पढ़ा है। जिसके पास पुस्तक है आप लोगों ने पढ़ा है, और जिसके पास पुस्तक नहीं है आप लोगों ने ये वीडियो देखकर किस प्रकार ईश्वर की आराधना की जाती है इसके बारे में हमने सुने थे। गए पाठ में हम ईश्वर की आराधना इस टॉपिक पर हमने कुछ बातें सीखे थे, पुराने ग्रंथ में और नए ग्रंथ में किस प्रकार परमेश्वर की आराधना और स्तुति की जाती है इसके बारे में हम कुछ सोच विचार किए, और इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा और मनन चिंतन किया था, है ना। तो आज हम एक नए पाठ की ओर जाएंगे। हमारा दूसरा पाठ है चिन्ह तथा प्रतीक, और इस दूसरे पाठ के पहले भाग की ओर हम आज सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है, हम पुराने ग्रंथ में मूसा नबी के बारे में सुनते हैं ना। मूसा नबी ने क्या किया था, मिस्र के गुलामी से इसराइल जनता को छुड़ाकर, उस गुलामी से छुड़ाकर स्वतंत्रता की ओर ले आते हुए उन्हें कानान देश की ओर लेके आ रहा था, है ना। तो ये कानान देश की ओर आते समय इसराइल जनता बीच में उन्हें भूख, वो एक मरुभूमि से निकल रहे थे। तो ये मरुभूमि से निकलते समय उन्हें प्यास लगी, भूख लगी, तो वे सब इसराइल लोग मूसा को कहने लगे कि हमें भूख लग रहा है, हमें प्यास लग रहा है, हमें पीने के लिए कुछ दीजिए, खाने के लिए कुछ दीजिए। और प्यारे नबी, हमारे जो नबी मूसा है, मूसा के हाथ में कुछ है क्या? नहीं है। तो उसको पूरा आश्रय, मूसा पूरा आश्रय किस पर रखा है? परमेश्वर पर। तो मूसा जाके पिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आपके इस जनता के लिए, आपके लोगों के लिए खाने और पीने के लिए कुछ दीजिए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से क्या दिया था? मन्ना। और पत्थर से उन्हें पानी दिया था पीने के लिए। और ऐसे परमेश्वर ने उनके सभी इच्छाओं को, यानी उनके जो शारीरिक मानसिक इच्छाएं हैं, उसको पूरा करते 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 ऐसे आ रहे थे। बीच में फिर से मानव है, मनुष्य है, बलहीन है, इसलिए फिर से मानव इसराइल लोग उन लोग बोलने गुनगुनाने लगे और वे ईश्वर परमेश्वर की ओर
परमेश्वर की ओर उन लोग द्वेष करते हुए परमेश्वर हमें साथ नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ कुछ बोलते हुए गुनगुनाते हुए उन लोग परमेश्वर की ओर और मूसा की ओर बातें करने लगे। तो परमेश्वर ने उन्हें एक सबक सिखाने के लिए उन्हें उनके बीच में सांपों को भेजकर वे सांप के काट के द्वारा वे मृत्यु पाने लगे, मरने लगे। और इस बीच उनको पता चला कि हमारे बीच से बहुत सारे हमारी जनता मर जा रहे हैं। फिर से इसराइल लोग मूसा के पास जाकर विनती करते हैं कि हमारे बीच से इस विषैली सांप को निकाल कर हमें मुक्ति दीजिए, हमें बचाइए। और फिर से मूसा परमेश्वर की ओर हाथ फैलाते हुए परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर ईसा मूसा से यह कहता है, कांसे का एक सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ। तो ये जो कांसे का सांप है उसको बनाकर डंडे पर लगाने के लिए किसने कहा? ईश्वर ने मूसा से कहा, और मूसा ने उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार किया। और हमें मालूम है कि इस कांसे के सांप को जब जब कोई विषैले सांप द्वारा काटा जाता है तो इस कांसे के सांप के सामने जाकर जब वे खड़े होते हैं तो वे इस विषैले सांप के काट से, विषैले जहर से वे मुक्त हो जाते थे और उन्हें प्राण वापस मिल जाता था। ये हम पढ़ते हैं हमारे पुराने ग्रंथ के गणना ग्रंथ में अध्याय 21 में। तो बच्चों, ये जो कांसे का सांप है वह एक चिन्ह है। तो ये किसका चिन्ह बताया जाता है? मुक्ति का चिन्ह। ईसा मसीह नए ग्रंथ में हमारे ईसा मसीह अपने ही शब्द द्वारा संत योहन के सुसमाचार में वे कहते हैं, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो मनुष्य को अपनी ओर में आकर्षित करूंगा। तो ये जो ऊपर उठाने की क्रिया हम कहाँ देखते हैं? नए ग्रंथ में ईसा मसीह का कलवारी पर अपने क्रूस का बलिदान। वहां ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और हर मानव जाति इस पवित्र क्रूस की ओर, ईसा मसीह की ओर नजर उठाते। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम इस पवित्र क्रूस की ओर देखते हैं तब हमें इस क्रूस द्वारा, ईसा मसीह के मृत्यु के क्रूस द्वारा हमें क्या मिलता है? मुक्ति। तो प्यारे बच्चों, जो चिन्ह मूसा ने पुराने ग्रंथ में इसराइल जनता को जो विष से मुक्त किया था, वही मुक्ति हमारे पापों के लिए आज पवित्र क्रूस पर हम जब हमारी नजर डालते हैं तब इस क्रूस द्वारा, ईसा मसीह द्वारा हमें क्या मिलता है? मुक्ति। तो नए जो पुराना विधान है, पुराना विधान की पूर्तिकरण कहाँ पे होता है? पुराने विधान की पूर्तिकरण नए विधान में, नए ग्रंथ में होता है। और ये नए ग्रंथ में किस पर आधारित पूरा होता है? यीशु क्रिस्त पर। तो प्यारे बच्चों, ईसा मसीह के कलवारी पर जो मृत्यु उन्होंने पाया था, उस कलवारी के मृत्यु द्वारा, मरण द्वारा, क्रूस मरण द्वारा हमें मुक्ति मिला है। यह है सबसे बड़ी आराधना का चिन्ह। हम जो मानव लोग हैं, जो मनुष्य हैं, हम सभी के जीवन में हम लोग कुछ ना कुछ चिन्ह द्वारा हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे चिन्ह हैं हमारे जीवन में। उदाहरण के लिए, हम अगर हमारे सहेलियों के, दोस्त लोगों के, हमारे कोई रिश्तेदारों का बर्थडे है तो हम क्या करते हैं? उन्हें उनके घर जाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनको खुशी मनाने के लिए हम केक देते हैं, केक काटते हैं। ऐसे हम बहुत कुछ उस बर्थडे को, उस व्यक्ति को हम खुशी देने के लिए, हमें प्रेम है उस व्यक्ति
इसलिए हम ये सब करते। अभी कोविड का सीजन है इसलिए हम जाकर घर जाकर गिफ्ट वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फेसबुक द्वारा, मेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा हम उनसे बातें करते हैं, नहीं तो हम पिक्चर्स भेजते हैं और ऐसे हम उस व्यक्ति को हमारा प्रेम प्रकट करते हैं। और कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं, जब हम एक दूसरे को गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वह सब हम प्रेम की भावनाएं उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं, है ना। तो यह प्रेम क्या है, अदृश्य तथ्य है। तो यह अदृश्य तथ्य को हम दृश्य चिन्हों द्वारा हमारी इस प्रेम को दूसरों तक प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार हम जब ताली बजाते हैं, हम नाचते हैं खुशी खुशी से, धूमधाम से हम नाच नाच कर खुशी मनाते हैं, इन सभी कार्यों में हम अदृश्य तथ्य को हम दृश्य चिन्हों द्वारा दूसरों को प्रकट करते हैं। हमारी जो वाणी है, हमारे जो इशारे हैं, ये सब क्या है, यह सब अदृश्य तथ्य को हम दृश्य चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं। इसलिए हम मानवों के बीच में चिन्ह एक बहुत बड़ा चीज है, हमारे जीवन में न अलग न करने वाली एक चीज है चिन्ह। तो इस चिन्ह को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, वो क्या क्या है, स्वाभाविक चिन्ह और नियमित चिन्ह। तो ये वाक्य थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप लोग इतना समझिएगा कि स्वाभाविक चिन्ह यानी वो जो कार्य को सूचित करता है, वास्तविक कार्य को जो प्रकट करता है, उसे हम स्वाभाविक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम लोग ऐसे चल के जा रहे हैं, तो हम दूर देखते हैं कि वहां पे बहुत धुआं धुआं उठ रहा है, तो हमें मन में क्या आता है, सडनली हम सोचते हैं कि वहां पे किसी ने आग जलाया था या वहां पे आग जल रहा है, उसका धुआं वहां से निकल रहा है। तो इसमें जो आग है वो क्या है, वास्तविक चीज है। आग, फायर, इट इज अ रियलिटी, वास्तविक चिन्ह है। और जो धुआं है वो उसका चिन्ह है, वो वास्तविकता है और धुआं चिन्ह है। तो इस चिन्ह द्वारा हम उस वास्तविकता को पहचानते हैं। दूसरी उदाहरण, जब हम नदी के किनारे रेती की ओर से चलते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ पैरों के निशान, हमारे सामने कुछ पैरों के निशान हैं। तो हम वो निशानों को देखकर हम समझ जाते हैं कि हमसे पहले यहाँ कोई व्यक्ति आए थे या कोई व्यक्ति वहां दूर कहीं खड़े हैं, वो यहीं से गुजरे हुए हैं। तो वो पैरों के निशान क्या है, उस उन व्यक्तियों का चिन्ह है। तो वो व्यक्ति वास्तविकता है और वह चिन्ह पैरों के निशान है। और दूसरा क्या है, दूसरा चिन्ह यानी नियमित चिन्ह। नियमित चिन्ह यानी जो मानव की भावनाओं को दिखाया जाता है वह है नियमित चिन्ह, मानवों की भावनाओं को। तो उदाहरण के लिए आपने राष्ट्रीय ध्वज ना, वो राष्ट्रीय ध्वज के द्वारा, फ्लैग के द्वारा हम हमारे भारत की स्वतंत्रता का, हमारे मानवों के मन की स्वतंत्रता की भावनाओं का एक चिन्ह है राष्ट्रीय ध्वज। तो इस प्रकार चिन्ह को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चिन्ह और प्रतीक, इन दोनों में, चिन्हों और प्रतीकों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है उन दिनों में, तीनों दोनों में। लेकिन सभी प्रतीक को चिन्ह कहा जाता है, लेकिन सभी चिन्ह प्रतीक नहीं है। समझ में आ रहा है सिस्टर क्या बोल रहे हैं, कि सभी प्रतीक को चिन्ह भी कहा जाता है, चिन्ह भी है, लेकिन जो चिन्ह है वो प्रतीक, सभी चिन्ह प्रतीक नहीं है। उधर अभी जो प्रतीक, प्रतीक यानी क्या है, प्रतीक यानी मानव अपने स्वतंत्र बुद्धि से तय करता है। प्रतीक यानी मानव अपने स्वतंत्र विचारों से, स्वतंत्र भावनाओं से, स्वतंत्र मन से जो कुछ उसमें
प्लान करता है, तय करता है, उसमें रखता है, वह है प्रतीक। लेकिन चिन्ह हमें क्या दिखाता है? चिन्ह वास्तविकता की ओर, हमारे लक्ष्य की ओर हमें ले चलता है। तो ये जो प्रतीक यानी प्रतीक के उदाहरण ये है कि तराजू, तराजू काय का प्रतीक है? न्याय का। और जैतून की डाली लेकर उड़ने वाला कबूतर किसकी प्रतीक है? शांति की। और राजदंड किसकी प्रतीक है? राजकीय अधिकार की प्रतीक है। तो इस प्रकार चिन्ह और प्रतीक को हम डिफरेंट कर सकते, डिफरेंशिएट यानी अलग कर सकते हैं। तो चिन्ह हमें हरदम हमारे लक्ष्य की ओर हमें ले चलता है। चिन्ह हमें हमारे लक्ष्य एम जहां तक पहुंचना है वहां तक हमें ले चलता है। और प्रतीक हमें ना केवल लक्ष्य की ओर ले चलता है, लेकिन प्रतीक हमें उसकी वास्तविकता की ओर, क्या है उसमें, क्या छिपा है उस प्रतीक द्वारा, उसके अंदर क्या छिपा है, इसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने जैसे कहा हमारा फ्लैग ना, इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज जब हम देखते हैं तो हमें हमारे राष्ट्रीय, हमारी देश को किस प्रकार हमें स्वतंत्र मिला था और उस किस प्रकार हम उसकी आदर करना चाहिए, इसके बारे में सब हमें उस प्रतीक द्वारा हमारे मन में आते हैं, क्योंकि मानव ने बनाया हुआ एक चीज है। उदाहरण के लिए आप लोग देखो, सिस्टर ने सफेद कपड़े पहने, तो ये जो सफेद कपड़ा ये किसकी प्रतीक है? पवित्रता की, और हमारे सन्यासी जीवन का एक प्रतीक है। इसमें क्या छिपा हुआ है? निर्मलता का और ईश्वरीय जीवन का एक प्रतीक इस सफेद कपड़े में दिखाया जाता है। तो यह है चिन्ह और प्रतीक में का अंतर। प्यारे बच्चों, हमने कहा, हमने सुना और हम सुनते आ रहे हैं कि कलीसिया क्या है। कलीसिया एक आराधना का समूह है। तो हम इस आराधना के क्रमों से निकलते आ रहे हैं। तो इस आराधना क्रम में हम इन चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इसलिए मैंने यह चिन्ह और प्रतीक के बारे में कहा, जिस प्रकार पुराने ग्रंथ में और नए ग्रंथ में चिन्ह और प्रतीक किस प्रकार उपयोग किया था, और आज हम कलीसिया आराधना के समूह में, आराधना क्रमों में हम चिन्ह और प्रतीक का उपयोग करते हैं। एक छोटी उदाहरण मैं कहती हूँ, हम इंग्लिश में क्राइस्ट लिखते हैं ना, CHRIST, ये इंग्लिश का क्राइस्ट वर्ड है। इसमें अगर अभी एच या टी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लिखने में, तो मैं वो पूरा क्राइस्ट को मीठा देती हूँ। तो क्या मैं जब वो क्राइस्ट को मीठा देती हूँ तो वो क्राइस्ट पूरा नहीं नहीं हो जाता है, पूरा मिट जाता है क्या? नहीं, सिर्फ वो अक्षर मिटता है, वो है एक चिन्ह है। लेकिन पवित्र बलिदान में, आराधना क्रम में, जब हम हरेक प्रतीक को उपयोग करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं, उसमें अगर हमने अच्छी तरह विश्वास के साथ, विशुद्ध पवित्रता के साथ, अगर हमने उस पवित्र आराधना क्रम में भाग नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? वहां हम पाप में गिरते हैं। तो यह है हमारा, यह है फर्क, किस प्रकार हम चिन्ह और प्रतीकों का उपयोग करते हैं हमारे आराधना क्रम में। तो ईश्वर की आराधना यानी मानव के लिए ईश्वरीय अनुभव है। इन प्रतीकों और चिन्हों द्वारा हम ईश्वर की अनुभव करने के लिए हमें सहायता देती है। ये चिन्ह और प्रतीक क्या करते हैं? हमें ईश्वर की आराधना क्रम में, ईश्वर को आराधना करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें हमें ये चिन्ह और प्रतीक मदद करते हैं, क्योंकि ईश्वर की आराधना क्या है? ईश्वर को अनुभव करना है। तो प्यारे बच्चों, हम मसीह के रहस्यों को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए भी हमें सहायता देते हैं चिन्ह और प्रतीक।
तो इस चिन्ह और प्रतीक के थोड़ा सा जो डिफरेंस है, किस प्रकार हम लोग चिन्ह और प्रतीकों को आराधना क्रम में यूज करते हैं, उसका एक छोटा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है। तो याद रखना, चिन्ह क्या है और प्रतीक क्या है, किस प्रकार पुराने विधान में मूसा और नबी लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चिन्हों का उपयोग किया था, और किस प्रकार आज हमारे नए विधान में, आज पवित्र कलीसिया में इन चिन्हों और प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इन दिनों में अगले क्लास को आने के पहले याद करना कि हम हमारे जीवन में किन-किन चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं, अपने पुस्तक में लिखे रखना। कि मैंने कहा ना, मानव को चिन्ह के बिना अपना जीवन बिताना असंभव है। अपनी वाणी भी एक चिन्ह है ना, जो मुंह से निकलने वाली वाणी भी एक चिन्ह है। तो ऐसे किस किस प्रकार के चिन्ह और प्रतीक हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों ने चर्च में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, और कहीं आराधना क्रमों में देखा होगा कि किन किन चिन्हों का और प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं। और आप लोगों को डाउट भी आया होगा कि क्यों ये चिन्ह, क्यों ऐसे करते हैं, क्यों वैसे करते हैं, ये चिन्ह क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ऐसे प्रश्न भी आप लोगों के मन में आए होंगे। तो वह भी लिख के रखना, और ये छोटी सी होमवर्क तुम लोग अगले क्लास के आने को आने के पहले लिख कर लेके आना। तो प्यारे बच्चों, फिर एक बार आप सबको धन्यवाद इस क्लास में भाग लेते हुए। आप लोगों ने अपने मन में चिन्ह और प्रतीक को अपने मन में बसाया हुआ है, मैं विश्वास करती हूँ। और आगे इन चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग योग्य रीति से हम हमारे जीवन में, विशेषकर आराधना क्रम में करने के लिए परमेश्वर से हम कृपा मांगे, और आप सबों को ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।